Assalamu alaikum my dear students, my name is Saqib and I welcome you to this batch that is Ukab 1.0. So पिछले session में हमने पढ़ा था square numbers के बारे में. क्या होते हैं square numbers? जब भी हम किसी number को खुद से multiply करते हैं we get a square number. ठीक है. Now इसके बाद हमने क्या देखा था? We have learned about the properties of square numbers. What are the properties of square numbers? पहली property आपने देखी थी All square numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9. सारे के सारे square numbers किससे end होते हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इसके बाद हमने क्या देखा? Number ending with, जो number 2, 3, 7 या 8 से end होते हैं, they are not a perfect square number. फिर मैंने एक note लिखा था, क्या सारे numbers, all numbers ending with 0, 1, 4, 5, 6 और 9, must be a perfect square number. So the answer was false. इसके बाद हमने क्या देखा था? Square of odd number is odd and square of even number is even. Now इसके बाद हमने देखा था अगर कोई number 1 या 9 से add होता है, 1 या 9 उसके unit place पर होता है, when we find out its square, it will be having 1 at the unit place. इसके बाद हमने देखा था if a number ends with 2 and 8, जब इसका स्क्वायर निकालते हैं या अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 और 8 है व्हेन वी फाइंड आउट इट स्क्वायर इट विल बी हैविंग 4 एट द यूनिट प्लेस. इसके बाद हमने देखा था इफ अ नंबर हैज 3 और 7 एट द यूनिट प्लेस व्हेन वी फाइंड आउट इट स्क्वायर इट विल बी हैविंग 9 एट द यूनिट प्लेस. इसके बाद हमने देखा इफ अ नंबर हैज 4 एंड 6 एट द यूनिट प्लेस व्हेन वी फाइंड आउट इट स्क्वायर इट विल बी हैविंग 6 एट द यूनिट प्लेस. देखिए यहां पर जैसे 2 4 3 2 6 का होल स्क्वायर. आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज द नंबर एट द यूनिट प्लेस, आप बताओगे 6. ऐसी 2 4 3 2 1 का होल स्क्वायर. नाउ आई एम टेलिंग यू इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, सो यू विल से इट विल बी हैविंग 1 एट द यूनिट प्लेस. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में. ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके हम डॉट्स को अरेंज कर सकते हैं इन ट्रायंगुलर पैटर्न. वो नंबर जिसके हम डॉट्स को अरेंज कर सकते हैं इन ट्रायंगुलर पैटर्न्स, उनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स. नाउ सी हियर, यहां पर मैं एक डॉट लिखूंगा, एक डॉट पुट करूंगा. नाउ अब देखिए मैंने क्या कहा, नंबर हूज डॉट्स कैन बी अरेंज्ड इन ट्रायंगुलर पैटर्न और कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. अब देखो यहां पर कितना डॉट है? 1. अब यहां पर देखो आप, यहां पर कितने डॉट्स है? 3. सो इसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं. सो दिस विल बी योर 3. ऐसे ही यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो 6 डॉट्स. यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 डॉट्स. यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. दिस विल बी योर 15 डॉट्स. एंड यहां पर कितने आपके होंगे? हियर इट विल बी योर 21. अब देखिए जब मैं इन कंसेक्यूटिव जो मेरे पास डॉट्स है, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर जो है, इनको मैं ऐड करूंगा. व्हाट इज 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 10 16, 10 प्लस 15 25, 15 प्लस 21, दैट इज योर इक्वल टू 36. सो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? मेरे पास स्क्वायर नंबर्स है. ऑल दीज नंबर्स आर आवर स्क्वायर नंबर्स. तो मैंने क्या देखा पहले, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हुज डॉट्स कैन बी अरेंज्ड इन ट्रायंगुलर पैटर्न और कॉल्ड द ट्रायंगुलर नंबर्स. फिर हमने देखा यहां पर ट्रायंगुलर नंबर्स हम क्या कर रहे हैं, पहले रो में अगर एक पॉइंट है, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में
3. तो जितने रोज इंक्रीज होते जाएंगे उतने हमारे नंबर ऑफ डॉट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. जब मैंने इनको ऐड किया सो वी आर गेटिंग 4, 9, 16, 25 and 36. दैट आर योर स्क्वायर नंबर्स. इसके बाद हम देखेंगे नाउ आफ्टर दैट वी हैव पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स. देखिए क्या होता है पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स. मेरे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है जैसे 2 और 3. अब मैं इनका स्क्वायर लेता हूं 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. अब मैं आपसे कहूंगा इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ढूंढिए. क्या कहूंगा? इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ढूंढिए. पहले यहां पर देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4. अब 1 और 4 के बीच में क्या क्या लाई करता है 2 एंड 3. सिमिलरली यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर. अब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में क्या क्या नंबर्स लाई करते हैं? नाउ सी, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. अब देखो यहां पर क्या आएगा 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो यहां पर आप देखो यहां पर 2 नंबर्स लाई करते थे, यहां पर आप देखो कितने 1, 2, 3, 4. सिमिलरली यहां पर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है? 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होता है 16. अब देखो ये क्या आया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज योर, सो यहां पर आपके कितने आ गए थे? सो वी हैव हियर, यहां पर आपके आ गए थे 2, यहां पर 4 और यहां पर आ रहे 6. नाउ सी वी कैन राइट हियर 2 into 1. ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा 2 into 2, यहां पर मैं लिखूंगा 2 into 3. अब देखो हो क्या रहा है, 2 आप देख रहे हो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन ये 1 कहां से आया? 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कौन सा नंबर छोटा है? 1 है ना, सो 2 into 1. 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कौन सा नंबर छोटा है? 2 है ना, सो 2 into 2. अब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कौन सा नंबर छोटा है? 3 है ना, सो दिस बी 2 into 3. सो आप देखोगे यहां पर 2, 4 और 6. सो यहां पर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है 2, यहां पर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है 4, यहां पर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है 6. नाउ सी हियर, अब देखो मैंने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला पुट किया 2 into n. सो हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर? यहां पर हमने निकाला था ना 4, सो डायरेक्ट करो 2 into 2, दैट्स योर इक्वल टू 4. अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, आप क्या करोगे? डायरेक्ट 2 into n, सो दैट इज 2 into 3, दैट इज इक्वल टू 6. ऐसे ही मैं कह रहा हूं हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर. आप डायरेक्ट क्या करोगे? 2 into n. n क्या है यहां पर? 8, जो छोटा नंबर होगा. 2 into 8 इज 16. सिमिलरली अगर मैं आपको कह रहा हूं हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 98 स्क्वायर एंड 99 स्क्वायर, सो 98 और 99 में कौन सा छोटा है? 98, सो दिस विल बी 2 into 98, सो दैट विल बी योर इक्वल टू 2 8 16, सो दैट विल बी 196. ओके, नाउ आपके लिए होमवर्क क्या है, यू फाइंड आउट हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 101 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर. हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 51 स्क्वायर एंड 52 स्क्वायर. ओके, सो ये था पहला पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स. नेक्स्ट क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है स्क्वायर नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सप्रेस स्क्वायर नंबर्स एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर. ठीक है, नाउ अब अगर मैं लिखूं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर किसके बराबर है? 4. अब व्हाट आर द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है? पहले 1 आता है, उसके बाद 3 आता है. अब मुझे बताओ 1 + 3 क्या है? 4 है ना. अब 3 स्क्वायर किसके बराबर है? 9. अब
मैं क्या करूंगा, अगर यहां पर टू स्क्वायर फोर के बराबर, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स को ऐड किया। अब थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, अब देखो थ्री स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब आप पहले तीन ऑड नंबर्स को ऐड करोगे। व्हाट आर द फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स, वन प्लस थ्री प्लस फाइव। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर फोर स्क्वायर, व्हाट इज फोर स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज योर इक्वल टू 16। तो यहां पर देखो क्या है, फोर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब यू विल ऐड फर्स्ट फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दैट इज वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। इसके बाद आ रहा है मेरे पास फाइव स्क्वायर, दैट इज योर 25। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स को ऐड करोगे। व्हाट आर द फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स, दैट आर योर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन। ऐड करके देखना सेम हो जाएगा, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फाइव। ओके, नाउ अगर मैं आप सिक्स स्क्वायर को लिखूंगा, सिक्स स्क्वायर इज 36। सो हाउ टू डू इस, वन यहां पर प्लस थ्री प्लस फाइव सेम, प्लस सेवन सेम, प्लस नाइन सेम, यहां पर आएगा प्लस 11। अब सेवन स्क्वायर लिखूंगा, सेवन स्क्वायर इज 49। सो यहां पर आप क्या करोगे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस 11 प्लस 13 प्लस, सो यस प्लस 13 तक आप रखोगे। ओके, नाउ वी हैव वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, सो एटीन प्लस सेवन प्लस 11 प्लस 13 विल गिव यू 49। सो इसके बाद आप क्या करोगे, नाउ यू विल एक्सप्रेस एट स्क्वायर, दैट यू विल डू बाय योर सेल्फ। यू विल एक्सप्रेस हियर एट स्क्वायर, एट स्क्वायर एंड नाइन स्क्वायर यू विल एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, नाउ हमने पहला पैटर्न देखा, बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, अगर मेरे पास टू का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर है, हाउ टू फाइंड द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। फिर मैंने क्या देखा, हाउ टू एक्सप्रेस स्क्वायर नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। आप देख रहे हो वन स्क्वायर वन, टू स्क्वायर वन प्लस थ्री, थ्री स्क्वायर वन प्लस थ्री प्लस फाइव, देन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस 11 विल गिव यू 36, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस 11 प्लस 13 विल गिव यू 49। नाउ इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पैटर्न, दैट इज एक्सप्रेस, लेकिन याद रखना ये सिर्फ ऑड स्क्वायर नंबर्स के लिए है, एक्सप्रेस ऑड स्क्वायर नंबर्स, एक्सप्रेस ऑड स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव, एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। देखिए आप, अगर मेरे पास है ऑड स्क्वायर नंबर, मैंने कहा ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर थ्री स्क्वायर, मैं कह रहा हूं थ्री स्क्वायर को एक्सप्रेस करिए एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या क्या करोगे, आप लिखोगे थ्री स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय टू प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। नाउ व्हाट इज थ्री स्क्वायर माइनस वन, थ्री थ्री आर नाइन, नाइन माइनस वन डिवाइड बाय टू, देन यू विल राइट हियर थ्री थ्री आर नाइन, नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। नाउ व्हाट इज नाइन माइनस वन, एट डिवाइड बाय टू, नाइन प्लस वन टेन डिवाइड बाय टू, सो यू विल राइट हियर टू वन जार टू, टू फोर जार एट, टू वन जार टू, टू फाइव जार टेन। सो हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेस किया थ्री स्क्वायर को एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, लेकिन थ्री स्क्वायर क्या है आपका, ऑड स्क्वायर नंबर है। नाउ चलिए, नाउ लेट्स टेक फाइव स्क्वायर, हाउ टू एक्सप्रेस फाइव स्क्वायर। अब देखिए यहां पर, नाउ
अगेन मैं क्या करूंगा, 5 square minus 1 divided by 2 plus 5 square plus 1 divided by 2. नाउ अब देखिए यहां पर व्हाट इज 5 square, 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 2. इसके बाद क्या है, 5 square क्या है, 25 अगेन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. नाउ व्हाट इज 25 माइनस 1, 24 डिवाइड बाय 2. व्हाट इज 25 प्लस 1, दैट इज 26 डिवाइड बाय 2. सो यू विल राइट हियर, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6. सो दैट इज योर 12 प्लस 30. अब देखो ये 12 एंड 13 क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है ना, 12 के बाद 13 नहीं आता है ना. सिमिलरली 4 और 5 क्या है, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है. अब एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन. नाउ लेट सी हियर, अब मैं अगर कह रहा हूं 11 square, नाउ 11 square को आप कैसे करोगे, यू विल राइट हियर 11 square minus 1 divided by 2 plus 11 square plus 1 divided by 2. Now 11 is 121 minus 1 divided by 2 plus 121 plus 1 divided by 2. Now what is 121 minus 1, 120 divided by 2. 121 plus 1 क्या होगा, 122 divided by 2. So this will be over 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2. So that will be your 60 plus 61. Okay. Now, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा pattern. Now what is your next pattern? Let's see it here. Now अगर मेरे पास दो consecutive even numbers है, जैसे 10 into 12. ओके ऐसे ही मेरे पास है, पहले 10 इंटू 12 देखिए. मुझे बताइए 10 और 12 के बीच में क्या लाई करता है, 10 और 12 के बीच में 11 लाई करता है. सो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 11 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 1. 11 माइनस 1 क्या हो गया, 10. 11 प्लस 1 क्या हो गया, 12. नाउ सी इट हियर. अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. नाउ व्हाट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज योर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये भी तो सेम है ना, ये भी तो सेम है ना. आप ऐसे लिख रहे हो ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, दैट इज योर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर. अब देखो यहां पर ए स्क्वायर क्या है, यहां पर 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो 11 इंटू 11 इज 121 माइनस 1, दैट विल बी योर इक्वल टू 120. अब देखो 10 इंटू 12 भी तो 120 आ गया. एंड वी कैन डू इट लाइक दिस, दिस इज द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज योर 11 इंटू 13. अब ये था इवन नंबर्स के लिए, नाउ वी हैव ऑड नंबर्स 11 इंटू 13. अब देखो 11 इंटू 13 के बीच में क्या लाई करता है, 11 और 13 के बीच में क्या लाई करता है, 12. सो यू कैन राइट हियर 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1. नाउ अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज योअर 1 स्क्वायर. नाउ 12 इंटू 12 इज योअर 144 माइनस 1. सो दैट विल बी योर इक्वल टू किसके बराबर, 143. ओके नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं. नाउ वी हैव हियर, नाउ लेट्स डू सम. सो वी विल से हियर 8 इंटू 10. ओके 8 इंटू 10. ओके नाउ सी 8 इंटू 10, अब 8 और 10 के बीच में क्या लाई करता है, 9. सो दिस विल बी 9 माइनस 1 इंटू 9 प्लस 1. सो दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट विल बी 9 9s are 81 माइनस 1, दैट विल बी योर इक्वल टू 80.
okay? Now this is your patterns in square numbers. अब हम दूसरी पैटर्न की तरफ जाते हैं. Now let's see it. देखिए, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अलेवन स्क्वायर इज इक्वल टू योर वन टू वन. अब देखिए वन 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 स्क्वायर, अब देखो कैसे लिखोगे. आप लिखोगे यहां पर वन टू थ्री, आपके पास कितने वन है, एक दो तीन, सो यू राइट वन टू थ्री, फिर वापस आ जाओ टू वन. ठीक है, नाउ अगेन वन 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 स्क्वायर, तो आपके पास कितने वन है, एक दो तीन चार है ना, वन टू थ्री फोर वन्स आर हियर, सो वी राइट वन टू थ्री फोर थ्री, फिर वापस आ जाओ फोर आया, तो फोर के बाद फोर से पहले क्या आता है थ्री टू वन. ऐसे ही आप लिखोगे यहां पर वन 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 का स्क्वायर. अब यहां पर कितने, एक दो तीन चार पांच, सो यू विल राइट हियर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद वापस आ जाओ दैट इज फोर थ्री टू वन. सो दिस इज योर अनदर पैटर्न. सो अगर आप मैं दूंगा यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन, सो आपको लिखना है ये किसके बराबर होगा. सो या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन, सो यू विल टेल मी फॉर दिस, इसके लिए आप क्या पैटर्न लिखोगे. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज योर, आप देखिए यहां पर, सो व्हाट इज योर सेवन स्क्वायर 49. अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 67 स्क्वायर, तो मेरे पास सिक्स कितना है, एक सिक्स है, तो इसके बदले में यहां पर दो टू फोर्स लिखूंगा, और सिक्स एक ही है ना, तो यहां पर मैं एक एट लिखूंगा. और आपको पता है अगर सेवन है यूनिट प्लेस पर इसका स्क्वायर निकालेंगे सो इट विल बी हैविंग नाइन एट द यूनिट प्लेस. अब देखो यहां पर सिक्स सिक्स सेवन स्क्वायर, अब यहां पर कितने सिक्स है, दो सिक्स है ना, तो फोर मेरे तीन हो जाएंगे, सो दिस विल बी योर वन टू थ्री. अब सिक्स और सिक्स है तो एट मेरे दो ही रहेंगे, दिस विल बी एट एट एंड नाइन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. अब यहां पर है सिक्स 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 सेवन स्क्वायर, अब यहां पर कितने सिक्स है, तीन सिक्स है, तो मेरे फोर कितने हो जाएंगे, फोर, सो दैट विल बी योर वन टू थ्री फोर, और एट कितने होंगे, तीन एट रहेंगे, दैट इज एट 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 एंड दिस विल बी योर नाइन. ऐसी सिक्स 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 सेवन स्क्वायर, तो मेरे पास सिक्स कितने हैं, चार है, तो फोर कितने हो जाएंगे, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां पर आप क्या देखोगे, एट जो मेरे पास फोर ही रहेंगे, वन टू थ्री फोर एंड दिस विल बी योर नाइन. ओके, नाउ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, यू डू हियर सिक्स 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 एंड यहां पर सिक्स कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, दिस विल बी योर सेवन स्क्वायर. ओके, सो आप यहां पर देखोगे व्हाट विल बी द आंसर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन. हमने आज देखा वट आर द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स. ओके, पहले हमने देखा अगर मेरे पास दो स्क्वायर नंबर्स है, मेरे पास टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर है, उसके बीच में हम कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं. इसके बाद हमने देखा एक्सप्रेस कैसे करेंगे स्क्वायर नंबर को एज द सम ऑफ कंजिकेटिव और नंबर्स. इसके बाद हमने क्या देखा, नाउ आफ्टर दैट वी लर्न की वन स्क्वायर है तो वन आएगा, अलेवन स्क्वायर है तो वन टू वन आ जाएगा, वन 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 स्क्वायर है तो हाउ कैन वी गेट द पैटर्न. नाउ हमने ऑल्सो देखा हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑड स्क्वायर नंबर को एज द सम ऑफ कंजिकेटिव नेचुरल नंबर्स. ओके, एंड हमने ऑल्सो देखा अगर हमारे पास टू कंजिकेटिव इवन या ऑड नंबर्स है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल देते हैं. सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा. मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, आई होप कि आप सब बच्चे कमेंट्स में उनका आंसर देंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, और नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़.